हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपना मॉर्निंग का रूटीन। रूटीन क्या, आई थिंक ये जो मॉर्निंग टाइम होता है हम सभी मॉम्स के लिए एक मैराथन होता है, जहाँ लगता है कि डे कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता, स्पेशली जब स्कूल और ऑफिस ऑन हो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सिर्फ 3.5 घंटे में मैं अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ, इंक्लूडिंग क्लीनिंग, कुकिंग, कपड़े एंड आफ्टरनून का खाना। तो इन टिप्स के साथ में आप भी 3 से 3.5 घंटे में अपने घर का सारा काम मॉर्निंग में निपटा सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस और टेंशन के। सबसे बड़ी स्ट्रेसफुल चीज जो मॉर्निंग में होती है वो होता है लंच प्रिपेयर करना बच्चों का या हस्बैंड का। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्री प्रिपरेशन करके रखें, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कभी भी स्किप ना करें। और कभी बाई चांस ऐसा हो गया कि आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो गो फॉर सम क्विक ऑप्शंस, जो क्विक चीजें होती है खाना बनाने की, जैसे कि तहरी, पुलाव, इडली, इस तरह की चीजें अगर आप सुबह में बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। मैंने अपने हस्बैंड को आज दिए आलू के पराठे, जिसके लिए आलू और आटा दोनों ही मैंने रात को प्रिपेयर कर लिया था। और सुबह इट वॉज सो इजी फॉर मी, बिल्कुल कुछ मिनट्स के अंदर मैंने सुबह का लंच रेडी कर दिया था। खुद को बिल्कुल इग्नोर नहीं करती, सुबह सुबह अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अम्मी मेरी चाय बन रही है और ब्रेकफास्ट भी साथ में रेडी हो रहा है, तो अब मैं बैठ के ब्रेकफास्ट करूँगी, मम्मी पापा को चाय दूँगी और साथ साथ जब तक चाय उबलती है तब तक मैंने कुछ एम्प्टी बॉक्सेस हैं जिन्हें भरने थे, जैसे कि सॉल्ट बॉक्स, ब्रेड बॉक्स और ये गर्म मसाले का बॉक्स, तो मैं ये भी भर लेती हूँ। तो मल्टीटास्किंग करने से सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैंने चाय बना ली है, अब मैं जाके मम्मी के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी। मेरे मम्मी पापा के साथ में बैठना, चाय पीना मुझे बहुत पसंद है, बट साथ साथ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी करती रहूँगी। नंबर 2, डोंट टेक रेस्ट। अब रेस्ट ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है और अगर आप बहुत टायर्ड है तो आपको डेफिनेटली रेस्ट लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया उसके तुरंत बाद मुझे वेजिटेबल चॉपिंग कर लेनी है फॉर आफ्टरनून, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर मैं बिना टाइम बर्बाद किए अपने सारे काम खत्म करती हूँ तो मेरा पूरा दिन खाली होता है एंड आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, और मुझे अपने काम के लिए, खुद के लिए बहुत सारा वक्त मिल जाता है। एक चीज़ जिससे मेरी टाइम काफ़ी सेव हो जाती है वो है आई हैव अ हेल्पर। अगर आपके लिए कहीं से भी फीजिबल हो तो ज़रूर किसी हेल्पर को रखें जो आपके लिए एटलीस्ट झाड़ू पोछा बर्तन कर दे, बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो जब भी मेरी हेल्पर आती है उसी के साथ साथ मैं अपने दोपहर के लंच की प्रिपरेशन, जैसे कि वेजिटेबल चॉपिंग एक्सेट्रा, दाल चढ़ाना, ये सब चीज़ों में लग जाती हूँ। इससे मेरा बेनिफिट ये होता है कि साथ के साथ जो चॉप करने के बाद में जो छिलके वगैरह होते हैं वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता है और घर में कोई भी गंदगी, किचन में कोई भी गंदगी नहीं फैलती है। और साथ के साथ ऑलमोस्ट सारे बर्तन साफ हो जाते हैं। टिप नंबर 3 इज कंबाइन योर एंटरटेनमेंट एंड वर्क। तो जब मैं टीवी देखती हूँ, मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। ऑब्वियसली जब आप लंच बॉक्स पैक करते हो, इतनी सारी चीज़ें करते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा डाउन टाइम चाहिए होता है। तो इस डाउन टाइम में मैं सोफा क्लीन कर लेती हूँ, साथ में अगर वेजिटेबल चॉपिंग हो वो भी उसके साथ ही कंबाइन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 सीरियल्स है जो बहुत पसंद है, मैं वो बैठ के देखती हूँ और इसके साथ साथ ये चीज़ें भी हो जाती हैं। 5 मिनट चाय के लिए ऑफ ज़रूर लेती हूँ और इससे मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही मेरी हेल्पर जाती है और मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, मेरे लिए साइन होता है कि मैं जा करके अपने लॉन्ड्री के कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूँ। और हर दिन एक एक लोड हो जाने से ज़्यादा वर्क नहीं बढ़ता है और ज़्यादा कपड़े इकट्ठा नहीं होते हैं। टीवी देखते देखते मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, जैसे कि सोफा वगैरह को क्लीन करना, बेडरूम क्लीन करना, और साथ ही सब्जियाँ जो है वो बनने के लिए डाल देती हूँ, छोक देती हूँ उन्हें, तो सब्जी अपने आप धीरे धीरे पकती रहती है। मीनवाइल दाल और चावल रेडी हो जाता है, क्योंकि वो भी मैं बीच में चढ़ा देती हूँ उसी टाइम पर।
तो ये जो इंटरटेनमेंट का टाइम होता है उसको मैं बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज करती हूँ। टीवी देखते देखते मेरा चावल दाल और सब्जी तीनों ही मैं छोक देती हूँ, तीनों ही तैयार होते रहते हैं अपनी स्पीड में, तब तक मैं अपने बाकी सारे काम निपटा लेती हूँ। सब्जी होने का मैं वेट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे शावर लेना होता है, मैं शावर लेने चले जाती हूँ, मम्मी को बोल देती हूँ कि सब्जी हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिक कुकर में बनाती हूँ तो फिर वो अपने आप ही बंद हो जाता है और मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं जब बाहर निकलती हूँ शावर लेकर के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा अब ये टाइम होता है जो मैं पूरी तरह से अपने काम को डेडिकेट करती हूँ। इंस्टाग्राम से अर्न करती हूँ और इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी सक्सेसफुल हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ। आप भी जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम से आप लाखों कैसे कमा सकते हैं घर बैठे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है जिसकी हेल्प से उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ आधे घंटे का बिल्कुल फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं ट्रेन करूंगी कि इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे आसानी से लाखों अर्न कर सकते हैं। अब मैं आद्या को शावर दिलाने जा रही हूँ, बस अभी 5 मिनट्स का टाइम मैंने उसको दिया था, तब तक मैंने सोचा मैं ये वीडियो कंप्लीट कर लूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हाँ नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर दे ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई ऐसे वीडियो या इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन चली जाए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।